Hey guys, जब किसी ब्रीडर के पास एक पपी होता है ना तो वो अपने को काफी कम प्राइस में मिल जाता है क्योंकि बाकी के जो पपीज होते हैं वो सेल हो चुके होते हैं और भाई एक पपी की भी इतनी केयर होती है और ज्यादा पपीज की भी, तो इसीलिए हर कोई सोचता है कि भाई कैसे न कैसे लास्ट पपी भी जल्दी से सेल हो जाए चाहे कम प्राइस में ही क्यों ना, ताकि आप लोग टेंशन फ्री होके अपना काम अच्छे से कर सको। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को कम प्राइस में डॉग्स परचेज करने तो आप लोग इस पपी के लिए जा सकते हैं जो है पिटबुल। तो भाई एक तो पिटबुल का वैसे ही प्राइस कम होता है क्योंकि काफी लोग तो इनसे डरते भी है भाई कहीं ये काट वाट ना ले, जबकि ऐसा नहीं है भाई, अगर आप लोग इन्हें अपना टाइम दोगे ना तो एक बहुत ही प्यारी डॉग ब्रीड है। और भाई जो इंसिडेंट्स हमने इस डॉग ब्रीड के बारे में सुने उनके पीछे के रीजंस क्या होंगे ये तो हमें पता नहीं होता, बट ये चीज मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि अगर आप लोग इस डॉग ब्रीड को टाइम नहीं दोगे और इन्हें बांध के रखोगे तो डेफिनेटली अग्रेसिव होंगे क्योंकि हर डॉग ब्रीड का अलग टेम्परामेंट होता है, अलग नीड्स होते हैं, तो हमें इनकी नीड्स को पूरा करना पड़ता है वो फिर चाहे आप लोग कोई भी डॉग ब्रीड परचेज कर लो। तो इनकी नीड्स होती है भाई इन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज और रनिंग की जरूरत होती है क्योंकि काफी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो आप लोग वेस्ट करा दो तो ये किसी के लिए अग्रेसिव ही नहीं होंगे। और बचपन से ही आप लोग इस डॉग ब्रीड को खुला रखें ताकि दूसरों के साथ खुद से घुल मिल सके और उनके साथ फ्रेंडली रह सके। तो भाई ये जो पिटबुल पपी है ये एक फीमेल है और चॉकलेट कलर में, जो कि काफी मुश्किल से ये कलर मिल पाता है इस ब्रीड में। बाकी पपी की क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की है, काफी एक्टिव भी है और पेरेंट्स की फोटो वीडियोस वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा दूंगा, बट फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और भाई अपने पपीज को और एडल्ट डॉग्स को एक्टिव और हेल्थी बनाए रखने के लिए उनकी टाइम टू टाइम डिफॉर्मिंग तो यार जरूर करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है डॉग्स के लिए। और गाइस उन्होंने इस पपी की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करवा रखी है एंड साथ में कार्ड भी अवेलेबल है, तो परचेज करते टाइम वो चीज लेना बिल्कुल ना भूले। एंड गाइस अगर इस पपी के मम्मी पापा के बारे में बात करें तो ये जो आप लोग देख रहे हैं भाई ये हैं इस पपी के पेरेंट्स। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन सी मदर है कौन से फादर, तो ये चीज आप लोग डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस पपी की बाकी की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूं, आई मीन इसकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो डियर फ्रेंड्स अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो एक क्यूट सी पपी 50 डेज की हो चुकी है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। बाकी दोस्तों डिलीवरी के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि वो प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो या तो आप उनसे डिस्कस कर लें अगर आप लोगों को डिलीवरी चाहिए है तो, और अगर आप लोगों के लिए ये चीज पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही परचेज करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि डायरेक्ट जाकर भाई हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, तो आप लोग डायरेक्ट जाकर ही परचेज करें। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई क्वालिटी काफी अच्छी है, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना वो के जस्ट 4500 रुपीस यानी 4500 रुपए। एंड दोस्तों ये जो प्राइस है ना ये भी नेगोशिएबल है, आई एम श्योर आप लोगों को इसमें भी डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा अगर आप लोग सीरियस बायर्स है तो। तो आशा करता हूँ इसकी क्वालिटी इसका प्राइस और ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके भी यार जरूर जाएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।